ओके सो फाइनली मेरा रानी किसी और की दीवानी हो गई। ना होते चाहे मायूर की दी दा में बागिया दीना एम भूलो की दीना हुकुम के दी बागिंता है को तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे और भी न्यू ट्रेंडिंग संताली सेट स्टेप वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को। और वीडियो पर जितना भी मटेरियल यूज किया गया सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कराना। और अलर्ट मोशन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाकर डाउनलोड कराना है। तो चलिए अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन कर लेना, ओपन करने के प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने में बीट मार्क सेकेंड लिस्ट मिल जाए यूट्यूब से, वहाँ से इंपोर्ट करना। तो सबसे पहले बीट मार्क को ओपन कर लेना है। बीट मार्क को ओपन करने के बाद 8.18 रेशियो पर आना है और प्लस क्लिक करना, मीडिया पर जाना है। आपका जिसमें फाइल में फोटो उस फाइल को सेलेक्ट करना है। उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद फोटो को सेलेक्ट करना है और ऊपर 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर आने के बाद फिर कमीशन एरे कर देना है और लास्ट बिट पर आ जाना है। लास्ट बिट पर आ जाने के बाद इस लेयर पर क्लिक कर देना है। इस लेयर पर क्लिक कर देना है, फोटो को स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है। तो नीचे कर लेना है, नीचे करने के बाद क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। सेक इफेक्ट ओपन करने के फोटो लेयर पर क्लिक कर लेना, इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, बैक कर लेना है और बिट मार्क को ओपन कर लेना है। इडमार्क को ओपन करने के बाद क्या करना है, फोटो लेयर पर क्लिक कराना है, इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट कर देने के बाद क्या करना है, बैक कर लेना है और लिरिक प्रीसेट को ओपन कराना है। लिरिक प्रीसेट को ओपन करने के बाद प्लस में क्लिक कराना है, सेलेक्ट और लेयर कराना है, फिर से प्लस में क्लिक कराना है, कॉपी लेयर कराना है। कॉपी लेयर कराने के बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इडमार्क को ओपन कराना है। इडमार्क को ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो प्लस में क्लिक कराना है, पेस्ट लेयर कर देना है। देख सकते हैं कंप्लीट हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करना है, ऊपर इस आइकन पर आ जाना है। आने के बाद वीडियो को आप जिस भी रेशियो से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस रेशियो से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।